सिपाही बन, मैं कभी सिपाही बन, मैं ना का कष्ट मिटाऊंगा, मैं ना के कष्ट मिटाऊंगा। How I wonder, how I wonder, what fever, what fever। लगभग 3 दशक से उग्रवादियों का गढ़ माने जाने वाला गढ़वा जिले के बूढ़ा पहाड़ से वीर सुरक्षा बलों के जवानों ने उग्रवादियों को खदेड़कर इस इलाके को तो नक्सल मुक्त कराया ही है, साथ ही दशकों तक उग्रवादियों की बंदूक के डर से शिक्षा जैसी मूलभूत सुविधा से वंचित रहे आदिवासी के नवनिहालों को शिक्षित कर मुख्यधारा से जोड़ने के लिए बूढ़ा पहाड़ पर सीआरपीएफ पाठशाला भी चला रहे हैं, जहां पर कभी उग्रवादियों की बंदूकों की आवाज और बमों के धमाके गूंजा करते थे, वहीं आज सीआरपीएफ जवानों की बदौलत पाठशाला में शिक्षा का कखरा बच्चों की आवाज में गूंजने लगा है। बच्चों ने बताया कि नक्सली इनके माता पिता को पीटते थे, आए दिन इनके घर का खाना और मुर्गा भी उठा कर ले जाते थे। अब सीआरपीएफ के जवानों ने इन्हें शिक्षा, भोजन और इनके माता पिता को काम दिया है। बच्चों का कहना है कि सीआरपीएफ के पाठशाला में पढ़ने के साथ ही उन्होंने अंग्रेजी में बोलना सीख लिया है और अब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे हैं। ये वही बूढ़ा पहाड़ है जहां नक्सलियों का कभी सेफ जोन रहा करता था, लेकिन आज इस जगह पर बच्चे अपनी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और बच्चों में काफी खुशी देखने को मिल रही है। साथ ही बच्चों की जिंदगी को सुधारने के लिए अब सीआरपीएफ इनको शिक्षा का ज्ञान देकर इनके जज्बे को एक नई उड़ान दे रही है। आइए अब आपको बूढ़ा पहाड़ में सीआरपीएफ की पाठशाला में पढ़ रहे बच्चों की जुबानी सुनाते हैं इनकी ही कहानी। पति बोला हमन घर में आते थे, माँ बाप के मारत रहे, घर में मुर्गा था उसको नक्सली लोग खा जाता था, हम इनकर माँ बाप के उम्र पीटत रहे। जब से ये पुलिस वाला आये हथिन पट्टी वाला के भगेले हथि, तब से ये पुलिस वाला हमनी के पकड़ के ऊपर उपरे लान दे और पढ़ावा लथिन। धीरे धीरे हमनी पढ़े ला सीख गए, अंग्रेजी में भी बोला ली, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, ये सब बोले ला सीख गए। गोविंद बिरजिया, हम लोग के घर में पार्टी सब आता था, सब खाना खा जाता था, हम लोग देखत रहते थे, मम्मी पापा के पीट रहे थे। जब से सीआरपी वाला आए है लोग के पढ़ा भी रहे है, और हम मेरा माय बाबू जी के कामों देता है और पैसों देते हैं, और बीमार पड़ते हैं यह सीआरपी वाला डॉक्टर सब आन के हम लोग इलाज करते थे। अब हम लोग पढ़ने के लिए सीख रहे हैं, कापी किताब सब फ्री में मिलता है, अब हम लोग पढ़ने के लिए सीख रहे हैं, अब हम लोग के नहीं डर लगता है, अब नक्सल सब नहीं आता है। मेरा नाम है मैंने मिसमानची कुमारी। इधर सीआरपीएफ 172 बटालियन के बूढ़ा पहाड़ कैंप में चल रहे सीआरपीएफ की पाठशाला में बच्चों को शिक्षित कर रहे हैं। हवलदार दिवाकर कुमार ने बताया कि बच्चे शिक्षित हो रहे हैं और इन बच्चों में पढ़ाई के प्रति जागरूकता भी बढ़ने लगी है। 172 बटालियन का हवलदार जीडी दिवाकर सिंह इन बच्चों को पढ़ाता हूँ। ये काफी प्रोग्रेस कर चुके हैं, इनको 22-25 तक पहाड़ा भी याद हो चुका है सर। ये जो है मैथ बढ़िया लगाते हैं, इंग्लिश में टॉकिंग भी बात भी करते हैं, इंग्लिश इनको लिखना पढ़ना भी आ गया है। हमारे उच्च अधिकारियों के दिशा निर्देश से हम लोग काफ़ी जैसा हमको मार्गदर्शन दिया जाता है उस हिसाब से अच्छा खासा मेहनत करके इनका तथा इनके परिवार का जो मेडिकल सुविधा, जो पढ़ाई का है, जितना हो सकता है हम लोग भरपूर प्रयास करते हैं इनके भविष्य, आगे उज्ज्वल भविष्य के लिए। इनको कंप्यूटर लैपटॉप का भी ज्ञान सर प्राप्त कराते हैं जो ये स्कूल में लगा रखे हैं। हमारे श्री कमांडेंट महोदय साहब ने उपलब्ध करा रखा है सारा सामान, जो मैं ये वो बगल वाले रूम में लगा करके इनको लैपटॉप और ये कंप्यूटर में दिखा करके इनको कीपैड से इनको वो कंप्यूटर चलाना भी सिखाते हैं। वहीं सीआरपीएफ 172 के कमांडेंट नीरपेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि बूढ़ा पहाड़ को नक्सलियों से मुक्त कराने के बाद इस क्षेत्र के बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के लिए सीआरपीएफ कैंप में पाठशाला चला रहा है। लगभग 72 बच्चों का नामांकन कक्षा 1 से 5 तक किया गया है। सभी बच्चों को किताब, कॉपी, पेन, भोजन, वस्त्र के साथ योग सीआरपीएफ के जवान इन बच्चों को शिक्षित करने में लगे हैं। विगत 3 दशकों से बूढ़ा पहाड़ और उसके आसपास का इलाका उग्रवाद ग्रस्त था। जो आम जनता वहाँ की थी वो सरकारी सुविधाओं से महरूम थी। तब हमने यह पाया कि वहाँ के बच्चे जो हैं शिक्षा से महरूम हैं, उनको शिक्षित करने की आवश्यकता हमें महसूस हुई ताकि वो मुख्य धारा से भटके नहीं। इसके लिए हम एक छोटा सा स्कूल अपने संसाधनों से
शुरू किया हमने, जिसमें हमारे जवान पढ़ाते हैं। वहाँ के आसपास के गरीब बच्चों को हमने इकट्ठा किया, उनको यूनिफॉर्म दिया, उनको मिड डे मील देते हैं, पढ़ने का सारा सामान और सुविधाएं मुहैया कराई। आज करीब 70 से अधिक बच्चे हमारे पास हैं जिनको हम पढ़ा रहे हैं। कि यहाँ के बच्चों को हमने शिक्षा के साथ साथ देश प्रेम की भावना कैसे जागृत होगी, इस पर हम लोग प्रयासरत हैं और निश्चित रूप से वो जो है देश के लिए एक सच्चे नागरिक बनेंगे और मुख्य धारा से जुड़ते हुए देश के लिए अच्छा काम करेंगे। देश प्रेम की भावना उनके अंदर होगी, एक संस्कार होगी, एक व्यवहार अच्छा होगा, एक आचरण अच्छा होगा उनका, एक अच्छे नागरिक देश के बनेंगे। बता दें कि CRPF का मकसद इन बच्चों को मुख्य धारा से जोड़कर देश प्रेम की भावना जागृत करना है। पंजाब केसरी टीवी के लिए गढ़वा से अभय तिवारी की रिपोर्ट।